नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर सोहम देसाई हूं और मैं आपको ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यदि आपने देखा होगा कि मैंने पहले एक बार आपके साथ एपिलेप्सी के बारे में बातें शेयर करी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप एपिलेप्सी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एपिलेप्सी के बारे में भी जान सकते हैं। इस वीडियो में हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है और ये इसके बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो मित्रों, आप जानते होंगे, कई बार आपने सुना होगा कि आपके गांव में, शहर में, आपके दोस्त रिश्तेदार में किसी को अचानक से पैरालिसिस हो गया। आपको फ़ोन पे किसी ने कहा है कि उसको तो पैरालिसिस हो गया, या लकवा पड़ गया, या उसको अधर अंग हो गया, या उसको एक साइड में हाथ पांव चलना और मुँह से बोलना बंद हो गया। तो ये जो चीज़ होती है ये ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक आजकल हमारे जीवन में बहुत कॉमन रोग है और इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हार्ट अटैक के बारे में लोग जानते हैं, किसी को चेस्ट पेन हो जाए तो तुरंत वो जानते हैं कि हार्ट अटैक इमरजेंसी होती है, बट भारत देश में ब्रेन स्ट्रोक के बारे में अभी भी उतनी सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है। कई लोगों को पता नहीं है कि ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, और जो सबसे जरूरी चीज़ कि उसकी अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जाए तो उससे उसका इलाज अच्छे से और जल्दी से संभव है। तो ब्रेन स्ट्रोक क्यों जानना चाहिए? ब्रेन स्ट्रोक के बारे में इसलिए हमको जानना चाहिए कि 4 में से 1 लोग ब्रेन के शिकार ज़िंदगी में हो सकते हैं। और ये अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो जब वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो वर्ल्ड स्ट्रोक दुनिया में स्ट्रोक के बारे में जानकारी देती है, तो 10 साल पहले उनके लीफलेट्स, ब्रोशर्स में आता था कि 6 में से 1 इंसान को ज़िंदगी में स्ट्रोक हो सकता है। बट 10 साल के बाद आज 2019 में ये हाल है कि लोग कहते हैं कि हर 4 व्यक्ति में से 1 को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। यदि आप होटल में डाइनिंग टेबल पर 4 लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं या 4 दोस्त मिलके एक साथ बात कर रहे हैं तो आप 4 में से आगे चल के ज़िंदगी में 4 में से 1 को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और दूसरी जरूरी चीज़ ये है कि ब्रेन स्ट्रोक के 90% पेशेंट्स है उनमें ये रोग से हम बचा सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन। यदि हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, उसको रेगुलरली करें तो हम ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक में क्या लक्षण होते हैं? तो ब्रेन स्ट्रोक में किसी को अचानक से आधा मुंह टेढ़ा हो जाना, एक हाथ या एक पांव चलना बंद हो जाना, चक्कर आना, आँख से दिखना धुंधला हो जाना या गिर जाना बैलेंस ना होने से, ये चीज़ें हो सकती है और ये सब सडनली होता है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? तो आप याद रख सकते हैं बी फास्ट, BEFAST। तो B का मतलब होता है बैलेंस, E का मतलब होता है आइज, F का मतलब होता है फेस, A का मतलब होता है आर्म, S का मतलब होता है स्पीच। तो यदि किसी इंसान को सडनली, मतलब अचानक से चलने में बैलेंस बिगड़ जाए, गिरने लगे, आँख से एक साइड दिखना बंद हो जाए, उसका मुंह टेढ़ा हो जाए, जैसे इस तरह से एक तरह का मुंह हो जाए, उसकी बोली बदल जाए, बोलने लगे तो लोगे के शब्द मिक्स हो रहे हैं, उसको बोली समझ में नहीं आ रही है, या हम बोलते हैं उसको समझ नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कुछ हो तो बी फास्ट। टी का मतलब है टाइम, टाइम इज़ ब्रेन। यदि ऐसा सिम्टम्स होने पे आप जल्दी से हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग में चले जाएं और ऐसी हॉस्पिटल जाएं कि जहां स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हो, तो उसकी सारवार करने से इंसान को काफ़ी लाभ हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, उसके लक्षण क्या है ये बताया। अगले वीडियो में ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगा।